गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है प्रोटोटाइप ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का जो कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाया जा रहा है अब ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो है इसमें डेल्टा विंग होगा ट्विन इंजन होगा कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया गया है इसको और एरोनाटिकल डिवेलपमेंट एजेंसी जो कि एच ए एल के अंडर ही आता है वो इसको मैनुफेक्चर करेगा कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए इसको बनाया जा रहा है और ये मिग ट्वेंटी नाइन जो फाइटर्स हैं जो कि आई एन एस विक्रमादित्य पर लगाए गए हैं उनको जो है रिप्लेस करेगा ठीक है तो ट्विन इंजन जो है उसकी वजह से इसको इसका जो टेक ऑफ होगा वो शॉर्टर हो सकेगा और इसकी जो स्पीड है वो 1.6 पॉइंट मैक तक पहुंच सकेगी इसको कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जा रहा है और इंडिया का होम ग्रोन इंडियन वेपन सिस्टम्स और एवियोनिक्स भी इसमें लगाए जाएंगे अब कनाड क्या होता है किसी भी एरोप्लेन में कनाड का बेसिकली जो है मीनिंग uh, होता है कि उसको आप मेन uh, विंग के आगे लगाया जाता है उसको ताकि uh, जो है एयरक्राफ्ट को लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी और कंट्रोल दिया जा सके फ़िक्स्ड भी हो सकता है मूवेबल भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है ये और इसमें कंट्रोल सर्विसेज भी लगाए जा सकते हैं अब डेल्टा विंग क्या है बेसिकली जो विंग होता है एयरक्राफ्ट का उसकी शेप होती है ये ट्राइंगर या डेल्टा शेप्ड मतलब ग्रीक लेटर जो डेल्टा होता है उसकी तरह से इसकी शेप बना दी जाती है इससे क्या होता है कि स्ट्रक्चरल इन इंटेग्रिटी रहती है एयरक्राफ्ट को हाई स्पीड में और लो स्पीड फ्लाइट में दोनों में ही और इसको हॉरिजॉन्टल टेल देने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट कुशा ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडिया जो है एम्बिशस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुशा जो है वो बना रहा है की तरफ मूव कर रहा है और ये एक तरह से इंडियन एयर फोर्स को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्रोजेक्ट है और 2028 से 2029 तक इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा तो इसको डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा 21,700 करोड़ के बजट पर <coughs> अब इस प्रोजेक्ट का जो कंपैरिजन है वो किया जा रहा है आयरन डोम सिस्टम के साथ लेकिन ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट कुशा जो है ये लॉन्ग रेंज है तो ये इसीलिए ये आयरन डोम की कैपेबिलिटीज़ को सरपास कर जाएगा ठीक है ये हॉस्टाइल टारगेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करेगा इवन एक्सटेंडेड रेंज के ड्रोन को भी और इसको हम नाम रखा गया है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और फायर कंट्रोल रडार्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो होंगे इसके उसके डेढ़ सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर साढ़े तीन सौ किलोमीटर की रेंज होगी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कवर देगा ये हमें सिंगल शॉट किल चांस इसका लगभग अस्सी परसेंट होगा मिनिमम और नाइन्टी परसेंट होगा जब दो फायर्स इसके इसके फायर इसके पास इसके ऊपर फायर किए जा रहे हो वन आफ्टर दर ठीक है अब आयरन डोम तो आपको पता है हमने कई बार डिस्कस कर लिया इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है एनालाइज करता है और इंटरसेप्ट करता है जो भी टारगेट्स जैसे मोटर्स रॉकेट्स और आ, आर्टिलरी उसकी तरफ फायर किए जा रहे होते हैं जब इसकी रेंज जो है वो फोर्टी माइल्स और लेस है और इसको बार बार जो है वो रीलोड करना पड़ता है टू इंटरसेप्ट इनकमिंग मिसाइल्स नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रॉस्टल स्कीम ये टॉपिक आपके इकोनॉमी uh, के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट जो है वो रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लिवाइज एंड टैक्सेस स्कीम को जो है वो 2025-26 तक एक्सटेंड करने का प्लान कर रही है ये स्कीम जो है वो जितनी भी स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस या लिवाइज़ हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और, और गारमेंट्स के ऊपर उसको रीइम्बर्स करने के लिए स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने 2019 में बनाया था और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस तो इसमें होता क्या है कि जो इम्पोर्टर या वो जो जो सॉरी जो एक्सपोर्टर होते हैं टेक्सटाइल्स के उन्होंने जितना भी टैक्स पे किया होता है प्रोजेक्ट अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टेट और सेंट्रल लेवल पर उनको वो वापस मिल जाता है ठीक है तो ताकि उनको हम आ, एक तरह से मोटिवेट कर सकें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू होती है गुड्स की उसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है कि जितना भी आपके फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है उसके ऊपर आपने इतना टैक्स पे किया होगा तब आपको जो है उसकी रीएमबर्समेंट हो जाती है जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं गारमेंट्स या अप्रेल के मैनुफैक्चर जो करते हैं इंडिया में वो एलिजिबल हैं इस बेनिफिट के लिए अब फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू क्या होती है फ्री ऑन बोर्ड को हम फ्रेट ऑन बोर्ड भी कहते हैं ये एक ऐसी टर्म है जो कि इंडिकेट करती है कि कौन लाइबल है गुड्स दे, अगर डैमेज हो जाते हैं तो ठीक है एफ़ ओ बी ओरिजिन का मतलब कि जो बायर है वो रिस्क पे है अगर कुछ भी प्रोडक्ट में लॉस हुआ तो जो बायर है उसका खर्चा वो उठाएगा या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो होगा एफ़ ओ बी डेस्टिनेशन मतलब सेलर जो उसने बेचा है प्रोडक्ट वो उतने उतनी वैल्यू के जो है वो रिस्क को उठाएगा ठीक है तो इसलिए ये वैल्यू बहुत फेयर होती है बायर और सेलर के बीच में इसीलिए इसी वैल्यू के ऊपर जो है ये ड्यूटीज और टैक्सेस को कैलकुलेट करके रिमबर्स किया जा रहा है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पर उसमें कुछ इंजीनियरिंग लैब्सिस देखने को मिले हैं तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पर इसको बनाया गया है कालेश्वरम विलेज तेलंगाना में प्रणहिता गोदावरी रिवर कॉन्फ्लुएंस पर ये लोकेटेड है कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज और मल्टीपरपस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है प्रणहिता रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर ऑफ कोर्स ये लोकेटेड है और लगभग तीन सौ किलोमीटर का जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो है ये ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उठाता है और रिवर से और रिजरवर से और रि रिडिट्रीब्यूट करता है चैनल्स में ताकि जो है वाटर सप्लाई दी जा सके लगभग फोर्टी फाइव लैख एकड़ जो है लैंड पर को ये वाटर सप्लाई देने देने का इसका प्रोजेक्ट है तेलंगाना द्वारा 2016 में इसको शुरू किया गया था और ये इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ दे रहा है लगभग थर्टीन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना को नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेथनॉल डीजल फिफ्टी वन फील ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए ही इम्पोर्टेंट है इंडियन रेलवेज़ के टेक्निकल एडवाइज़र आर डी एस ओ जो है उन्होंने आई ओ सी एल के साथ मिलकर एक स्पेशल फ्यूल मेथनॉल डीजल फिफ्टीन इसको डिवेलप किया है तो ये मिथेनॉल डीजल फिफ्टीन फ्यूल जो है ये ऑफकोर्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव ब्लेंडेड फ्यूल है इसमें फिफ्टीन परसेंट मैथेनॉल है सेवेंटी वन परसेंट मिनरल है मिनरल डीजल है और फोर्टीन परसेंट इंडिजनसली डिवेलप्ड एडिटिव इसमें डाले गए हैं अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके क्योंकि ये प्रॉपरली सिर्फ डीज़ल ही नहीं है इसमें मेथनॉल भी है और कुछ और भी एडिटिव्स हैं इसलिए इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा सुपीरियर है कम्बशन अच्छे से हो पाती है और मिशन भी जो है कम होते हैं ठीक है तो इसकी वजह से डीजल कंजम्पशन एक तो पहली बात हमको साफ क्लियरली पंद्रह पर कम हो रही है तो हमारी एनुअल सेविंग्स हो जाएंगी फिर जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट एमिशंस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है मेथनॉल क्या होता है मिथाइल अल्कोहल वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट जो कि वाटर uh, के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और ये स्टीम रिफॉर्मिंग नेचुरल गैस को ऑफकोर्स uh, uh, से क्रिएट किया जाता है सिंथेसिस करके उसका गैस का और ये केमिकल्स बनाने में वाटर को रिमूव करने में ऑटोमोटिव और एविएशन फ्यूल्स में से सॉल्वेंट्स uh, बनाने में पेंट्स और प्लास्टिक के लिए उसके लिए जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनकोर सॉफ्टवेयर ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाया है एनकोर नाम का कैंडिडेट uh, और इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अब ये सॉफ्टवेयर का नाम है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायमेंट और ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इसका यूज़ करेंगे कैंडिडेट की नामिनेशनस एफिडेविट्स वोटर टर्नआउट काउंटिंग रिजल्ट डेटा मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए अब ये एक एंड टू एंड एप्लीकेशन होगी रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो कि डिजिटाइज कर देगी कि कितने वोट्स पोल्ड हुए राउंड वाइज डेटा पूरा टैबलेट कर देगी एनकोर की जो स्क्रूटनी एप्लीकेशन है वो ऑफकोर्स रिटर्निंग ऑफिसर्स को अलाउ करेगी कि वो स्क्रूटनी कर सके नॉमिनेशन uh, जो फाइल की गई हैं कैंडिडेट्स की कैंडिडेट्स द्वारा ऑनलाइन ही ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विट्रिमर ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसर्चर्स जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के उन्होंने एक सस्टेनेबल प्लास्टिक क्रिएट किया है जो कि रेजिन विट्रिमर के ऊपर ही बेस्ड है तो विट्रिमर क्या है एक रिलेटिवली रिसेंट कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक्स है जिसकी इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखी गई है एट लो टेम्परेचर इसकी यूनिक एबिलिटी है कि ये रीशेप हो जाता है कई बार जब इसको हाइयर टेम्परेचर्स पर एक्सपोज किया जाए ये पार्शली बायोडिग्रेडेबल भी है लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये रिकम्बाइन होने लगता है और कई तरह की फॉर्म्स ले लेता है अपने आप को रिपेयर भी कर लेता है 15 टाइम्स एज़ फास्ट एज अदर प्लास्टिक और ये रिकवर कर रख सकता है अपनी कर सकता है अपनी ओरिजिनली ओरिजिनल मेमराइज शेप ये बायोडिग्रेड भी हो जाता है सेफली मरीन इन्वायरमेंट में ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोबरा ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उन्होंने रिसेंटली विदड्रॉ किया है कोबरा फोर्सेस जम्मू कश्मीर से तो कोबरा जो है वो स्पेशलाइज यूनिट ऑफ सी है वन ऑफ द फ्यू यूनिट्स हैं सी आर के जो कि गरीला टेक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है इनको जंगल वॉरियर्स भी कहा जाता है ऑरिजिनली इनको नेक्सलाइड प्रॉब्लम के साथ टैक को, को टैकल करने के लिए बनाया गया था जो इसके परसोनल हैं वो सी से सिलेक्ट किए जाते हैं रेगरस कमांडो और जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग इनकी आ, ये अंडर करते हैं टेन यूनिट्स हैं इसमें 2008 और 2011 के बीच में इनको रेज किया गया था मेजॉरिटी जो टीम्स हैं वो मोस्ट इफ़ेक्टिव इफ़ेक्टिव अफेक्टेड स्टेट्स में इनको डिप्लॉय किया जाता था और कई इनको नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन में भी इनको भेजा जाता है ठीक है सी तो एक प्रेमियर सेंट्रल पुलिस फोर्स है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है एक्चुअली इसको 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था लेकिन 1949 में सीआरपीएफ एक्ट बनाकर ये इंडिपेंडेंट इंडिया की एक न्यू फोर्स बन गई है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेल्यूरियम ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है तो फिजिसिस्ट जो है उन्होंने रिसेंटली एविडेंस पाया है टेल की टेल्यूरियम प्रोड्यूस होता है जब भी भी न्यूट्रॉन स्टार के मर्जस होते हैं टेल्यूरियम एक सेमी मेटेलिक लस्ट्रस क्रिस्टलाइन ब्रिटल सिल्वर वाइट एलिमेंट है जिसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं ये कई तरह के कंपाइंड कंपाउंडस बना सकता है जब इसको एयर में बर्न किया जाए तो ग्रीनिश ब्लू फ्लेम निकालता है और जिसको जिससे टेलरियम ऑक्साइड भी बनता है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है फोटो सेंटर से फोटो भी है और ये गोल्ड के साथ जो है कंबाइन भी हो बात हो जाता है आ, फ्रीली ये नेचर में मिलता है हमें और ये कई तरह के मेटल्स के साथ जो है कम्बाइंड फॉर्म में पाया जाता है ठीक है अब कमर्शली जो है इसको कॉपर रि बाई प्रोडक्ट की तरह ये निकलता है इलेक्ट्रोलिटिक कॉपर रिफाइनिंग में इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं कॉपर और स्टेनलेस स्टील के मेटल्स बनाने में इसको लेड में भी ऐड किया जाता है ताकि जो क्रोजिव एक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का बैटरीज में उसको कम किया जा सके और लेड की स्ट्रेंथ को और हार्डनेस को इम्प्रूव किया जा सके कलरिंग एजेंट जो होता है सेरेमिक में उसकी तरह भी इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रबर uh, को वल्कनाइज़ करने में पेट्रोलियम क्रैकिंग में एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है अब न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं ये एक्सट्रीमली डेंस और कॉम्पैक्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो तब फॉर्म होते हैं जब कोई एक मासिव स्टार कोलैप्स होता है और एक तरह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश So the first topic is twin engine deck based fighter. This topic is important for your security section. So Chief of Naval Staff has recently announced that the prototype of twin engine deck based fighter which is meant for Indian Navy aircraft carriers will be ready within next 4 to 5 years. So this twin engine deck based fighter uh, will have a canard uh, delta wing twin engine carrier based multi multi-role combat aircraft which will be meant for indian navy it has it is being indigenously designed and developed by aeronautical development agency which is uh, the agency of hal and this uh, twin engine tech based fighter is meant to uh, is meant for carrier based operations and it will replace the aging mig-29k fighters on ins vikramaditya so this twin engine uh, enable it uh, to have shorter takeoffs it will be able to reach mach 1.6 speeds uh, these are designed specifically for carrier based operations and they will be equipped with various homegrown indian weapon systems and avionics and uh, what is a canard on a, a, a aeroplane canard is basically a fuselage which is located forward of the main wing to provide longitudinal stability and control to the aircraft and it depends upon the installation it could be fixed movable or variable and it may or may not incorporate control surfaces so then what is a delta wing delta wing is basically a wing which is designed uh, in a triangular or delta shaped platform uh, so you can see that it is like uh, the greek letter delta so, this particular design offers advantages in structural integrity and in both high speeds and low speed flight. Delta wing aircraft do not also require a horizontal tail. So, the next topic is Project Kusha. This topic is important for your security section. So, in a significant move uh, towards its air defense capabilities, India is embarking on a, an ambitious project called Project Kusha so this will provide indian air force with a long range air defense system uh, which will be deployed uh, by 2028 and 2029 and it is being developed by the drdo okay at an estimated budget of 21700 crores so the barrels are being uh, are being drawn with israel's iron dome system but of course, this project Kusha will surpass the capabilities of Iron Dome because this is the long-range system. It will be able to detect and destroy various hostile targets at extended range. So this is basically long-range surface-to-air defense system, and it will incorporate advanced long-range surveillance and fire-control radars, interceptor missiles which will have ranges between 150 kilometer, 200 kilometer, and 350 kilometers. They will be providing us strategic and tactical cover both in a single shot there will be a kill chance of at least 80% and over 90% when two missiles are fired after each other okay so what is iron dome iron dome is israel's air defense system and it functions by detecting analyzing and intercepting varieties of targets it must be reloaded continuously to intercept incoming missiles but has because it is short range that's why it has about forty miles or less range. Next, uh, so the next topic is Rostel scheme. This topic is important for your economy section. Government is planning to extend the tenure of rebate of state and central levies and taxes scheme till 2025 and 2026. So the aim of the scheme is to reimburse all embedded state and uh, central taxes levies for exports of manufactured goods and garments. So Rostel scheme was notified by Ministry of Textiles in 2019, and it shall be implemented by the Department of Revenue. It was uh, it is being implemented by the Department of Revenue and uh, that is Ministry of Finance. So importer exporter codes are necessary to uh, for the application of Rostel uh, program. So how this levies or uh, or taxes are calculated? So these are these are calculated calculated on the free on board value of the said goods. All exporters of garment and apparel who are making up uh, these uh, these uh, textiles in India are eligible to take the benefit under this scheme. What is this free on board value? Free on board value is basically uh, a value which indicates that who is liable for goods damaged or destroyed during shipping. So if it is FOB origin it means that buyer will be at risk in case of damage to the goods if it is fob destination it means that seller will retain the risk of loss so because this value is derived very uh, practically uh, because the risk is being shared that's why government is uh, taking this value which is uh, derived between the buyer and seller uh, to calculate the taxes and for reimbursement purposes so, the next topic is Kaleshwaram lift irrigation project. This topic is important for your economy section. A controversy has erupted over engineering lapses in the Kaleshwaram lift irrigation project on Godavari River, which is a 1 lakh crore project. So, it's a multi purpose irrigation project on Godavari River and it is located at the confluence of Pranahita Godavari River uh, in Kaleshwaram village of Telangana it is the world's largest multi stage and multi purpose lift irrigation project and it stretches over 300 kilometers this project raises large volumes of water from the river or reservoir sources to be redistributed in channels and or further uh, reservoirs before pumping it to the next stations the project is aimed at supplying water uh, to 45 lakh acres in telangana and it provides irrigation and drinking water to 13 districts of telangana so the next topic is methanol diesel 15 fuel this topic is important for your uh, environment and your uh, environment and your economy section so indian railways technical advisor rdso uh, in partnership with iocl has developed this special fuel methanol diesel 15 so this fuel is a, tip, a special fuel developed by IOCL and uh, RDSO, and it's a cost effective blended fuel which contains 15% methanol, 71% mineral diesel, and 14% indigenously developed additives by IOCL. So, what are the benefits of this uh, fuel? So, it has, of course, superior performance, combustion, and em emission. Of, uh, it will directly reduce the diesel consumption by 15% and also result in substantial annual savings. Uh, it will also decrease harmful pollutants, pollutant emissions. What is methanol? Methanol is methyl alcohol, wood alcohol, or wood spirit. It completely mixes with water. It's, uh, uh, <coughs> it is uh, produced by stream, steam reforming natural gas to create synthetic gas. And it is used to make chemicals, remove water from automotive and aviation fuels, and also used as a solvent for paints and plastics so the next topic is encore software this topic is important for your governance section so election commission of india has designed an in house software encore for complete candidate and election management so this software stands for enabling communications on real time environment uh, so this will provide a seamless facility for returning officers to process candidate nominations affidavits voter turnout counting results and data management this ENCORE counting application is an end to end application for returning officers to digitize the votes polled, tabulate the roundwise data, and then take out various statutory reports of counting. The, this, there will another, be another application called ENCORE scrutiny application, which will allow returning officers to do <coughs> scrutiny of the nominations filed by the candidates online. So the next topic is Vitrimer this topic is important for your environment and your science and tech section both researchers at university of tokyo have successfully created this sustainable plastic which is based on an epoxy resin vitrimer vitrimer is a relatively recent category of plastics but it is known for its impressive strength it has the unique ability to reshape num uh, to reshape itself numerous times when exposed to high temperatures it is also partially biodegradable when it reaches around 150 degrees Celsius uh, temperatures, it starts to recombine and it allows the material to take on different forms. It also repairs itself 15 times faster than normal plastic and it can recover its original memorized shape twice as fast as original uh, as a, a normal plastic. It also biodegrades itself safely in a marine environment, which is new for this material. Okay. so the next topic is cobra this topic is important for your security section central reserve police force has decided to withdraw its elite cobra force from jammu and kashmir uh, so cobra is, is a specialized unit of crpf which was established in 2008 and one of the few it is one of the few units which are speci uh, specifically trained for guerrilla tactics and jungle warfare that's why they are also known as jungle warriors so they were originally established to counter the naxalite problem and the personnel are drawn from crpf they undergo a rigorous commando and jungle warfare training it has 10 units which were raised between 2008 and 2011 majority of cobra teams were deployed in most effective affected areas and they were also based in certain northeastern states so what is crpf crpf is the premier central police force for internal security it functions under home ministry and it was originally constituted as the crown representative police in 1939 but and it is the one of the oldest central paramilitary forces of the country but it later became when india later became independent the crpf act was passed in 1949 So, the next topic is tellurium. This topic is important for your science and tech section. So, physicists have recently found evidence that tellurium is produced in neutron star mergers. So, tellurium is a semi metallic, lustrous, crystalline, brittle, silver white element, and it has the properties of both metals and non metals. It forms many compounds uh, which are uh, which correspond to those of sulfur and selenium so when it is burned in the air it leaves a greenish blue flame and it forms tellurium dioxide as a result tellurium is also a semiconductor material and it is slightly photosensitive it is one of the few elements uh, it, is, it is one of the only elements which readily combine with gold also tellurium is also sometimes sometimes found in free, free in nature but more commonly it is found combined with other metals okay commercially it is obtained as a byproduct of electrolytic copper refining and it is used uh, as uh, alloy for copper and stainless steel to make these matters more workable it is also added at very low levels to lead so that it can decrease the corrosive action of sulfuric acid in batteries and also to improve the lead's strength and hardness it is also used as a coloring agent in ceramics it is also used in electronic in industry with cadmium and mercury to form photosensitive semiconductors it is used in vulcanizing rubber and also as as a catalyst for petroleum cracking okay so what is a neutron star neutron star is basically extremely dense and compact celestial object which forms after the core of a massive star collapses under its own gravity during a supernova explosion okay so these were our topics for today we will meet next time with new topics until then goodbye and take care